और बड़ी खबर आपको बताएं, शनिवार को हमास के हमले के बाद इजरायल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाना अब शुरू कर दिया है। इजरायल की वायुसेना ने गाजा में हमले का दो वीडियो भी जारी किया है जिसमें गाजा के शहरों को निशाना बनाया गया है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है कि कैसे एयर स्ट्राइक इजरायल की तरफ से हमास के कई इलाकों में की गई जिसमें आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ये कह रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हमास को उसने पहुंचाया है और आगे भी इसी तरह से हमास के लड़ाकों को वो मौत के घाट उतारता रहेगा। तस्वीरें इजरायल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अचानक से हमला होता है और फिर उसके बाद ब्लास्ट के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ यहां से आपको दिखाई देगा। न्यूज 18 इंडिया के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये बहुत बड़ी हवाई हमला किया गया है हमास के ऊपर इजरायल की तरफ से और एयर स्ट्राइक का वीडियो खुद इजरायल ने जारी किया है। और वही हमास और इजरायल युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा भी अब और बढ़ गया है। युद्ध में अब तक 1479 लोगों की मौत हो चुकी है, उधर 5608 लोग जख्मी भी हुए हैं। हमास के हमलों में इजरायल के 900 लोगों की मौत हुई है जबकि 2616 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। उधर गाजा में 687 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, 2900 लोग यहाँ जख्मी है। वेस्ट बैंक में 16, लेबनान में 3 लोगों की जान इस युद्ध की वजह से अब तक जा चुकी है।